आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म देसी छोरा। ये 2013 की तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ओएस अविनाश। तो बात करते हैं कि क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, और ये फिल्म हमें कुछ नया अलग रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पर देखने को मिलती भी है या नहीं, कि जिस वजह से आप इस फिल्म को देखो। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है ये तीन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, अरुण, मेघा और बुलेल। इन तीनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती रहती है, जहाँ पर अरुण का जो कैरेक्टर है वो एक फोटोग्राफर होता है, जबकि मेघा जो है वो एक मॉडल रहती है। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है मेघा और अरुण के बीच में, जिसके बाद उनकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी चल रही होती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोनों में दरार आ जाती है। एक तरीके से झगड़े लड़ाई यही सब होते रहते हैं, क्योंकि अरुण की जो सोच है वो अलग रहती है और मेघा की सोच जो है वो अलग रहती है। दोनों के विचार मिलते नहीं हैं, दोनों जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, दोनों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है, और इसी वजह से दोनों के बीच बार बार लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। और ये जो बुलेल का कैरेक्टर है, ये वही कैरेक्टर है जिसने इन दोनों को मिलाया था, एक तरीके से यही वो माध्यम थी इन दोनों को मिलाने की। और लेकिन अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं, वो ये है कि अरुण और मेघा के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ पर बुलेल का जो कैरेक्टर है वो अरुण के लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही है, जो उसके सुख, उसके दुख, उसके अच्छे बुरे में हमेशा उसके साथ रहती है। उसका कुछ भी हो, उसकी परेशानियाँ या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमेशा बुलेल के पास जाता है और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। और ये बात भी वो बुलेल को बताता है कि उसको मेघा से प्यार है, जिसके बाद वो किसी भी तरीके से सेटिंग करके मेघा को अरुण से मिला देती है। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। अब हमें बाद में ये भी पता चलता है कि बुलेल खुद अरुण से प्यार करती है, लेकिन वो उससे ये बात बताने को डरती है, क्योंकि उसको पता है कि वो मेघा के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन उनके बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा मेघा और अरुण के बीच में। और यहाँ पर बुलेल भी है जो उसे प्यार भी करती है। अब उनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप लगभग ख़त्म हो ही रहा है। अब यहाँ पर बुलेल का जो कैरेक्टर है वो अरुण के पास आ जाती है, एक तरीके से उसके करीब आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जहाँ पर वो जो मेघा का कैरेक्टर है जो अरुण से ब्रेकअप कर चुकी होती है, वो वापस उसकी ज़िंदगी में आती है। अब यहाँ पर देखना ये है, क्या अरुण का कैरेक्टर जो है वो क्या वो सुधर जाएगा, क्या उसको सही में समझ में आ जाएगा कि उसके लिए क्या सही है। यहाँ पर मेघा का जो कैरेक्टर है उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, बस उसका जो प्रोफेशन है या फिर एक तरीके से कहें कि उसको जो पसंद है वो मॉडल बनना चाहती है, एकदम टॉप लेवल की, तो उसको बनना है चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर यही बात अरुण को हजम नहीं हो रही है, उसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। यहाँ पर बुलेल का जो कैरेक्टर है वो अपनी ज़िंदगी में खुद भी परेशान है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इनके बावजूद भी वो अरुण का साथ कभी छोड़ती नहीं है। तो अरुण को कभी अकल आएगी भी या नहीं कि उसके लिए मेघा सही है या फिर बुलेल सही है या फिर वो किसी और ही रास्ते पर निकलने वाला है, यही हमें इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिलता है, जो कि रियल लाइफ में भी आप देख रहे होंगे या फिर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक इंसान को कई सारे चॉइसेस मिलते हैं लेकिन वो सही से चूज नहीं कर पाता है, जो उसके लिए सही रहता है वो उसको चूज किए करने के बजाय वो किसी और को ही चूज करता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो चेहरे को देखकर प्यार करते हैं। एक इंसान के अंदर क्या है, उसके मन में क्या बातें चल रही हैं, वो इंसान अंदर से खूबसूरत है या नहीं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस इस पर ध्यान देते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है या फिर कितना ज़्यादा अमीर है या फिर उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमको खुश रख पाएगा कि नहीं, बस बाहरी चीज़ों के हिसाब से लोग जज कर लेते हैं, जिसके बाद उनको ज़िंदगी भर पछताना ही पड़ता है। तो यहाँ पर रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है, और जो मिलता भी है कि लोग खूबसूरती को देख कर, चेहरे को देख कर प्यार करते हैं और बाद में उनको रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिलता है, ब्रेकअप हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा इंसान चुनना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर जो सही में हमारे लिए सही है, वो ना कि खूबसूरती के तौर पर, ना ही अमीर है, इस वजह से आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो वो सही बिल्कुल भी नहीं है। और आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी सोच जो है वो अलग है या फिर आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो अलग है, और बाद में आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो तो आपके बीच कभी कुछ भी मैच होगा नहीं। तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब बनता नहीं है, बाद में वही लास्ट में ब्रेकअप होने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं, जो कि ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें समझाती भी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही वीक स्टोरी होने के बावजूद भी ये फिल्म कहीं ना कहीं हमारा दिल जीत ही लेती है।
यहाँ पर अगर मैं इस फिल्म की कमी की बात करूँ जो आपको खलेगी वो है कॉमेडी, जो कि आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलती है, जो कि आजकल की रेगुलर जो भी रोमांटिक ड्रामा फिल्में हैं उसमें हमको देखने को मिलता ही है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बढ़िया है, कुछ खास है जिस वजह से ये कमी पूरी हो जाती है, तो वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, चाहे मेघा का कैरेक्टर हो, चाहे अरुण का कैरेक्टर हो, चाहे बुलेल का कैरेक्टर हो, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो क्या क्या झेल रहे हैं और उनके रिलेशनशिप में किस तरीके की परेशानी या मुसीबतें आ रही हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और उसी वजह से फिल्म की जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा दमदार ना होने के बावजूद, फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो वीक है, इन सब के बावजूद भी फिल्म कहीं पर भी बोर नहीं करती है, कहीं पर भी स्लो नहीं लगती है कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से। 1 घंटा 47 मिनट की फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म हमको बोर नहीं करती है और ना ही कहीं पर ये फिल्म हमें स्लो लगती है, क्योंकि हम कैरेक्टर से इतना बढ़िया इतने अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि फिल्म की जो स्टोरी है वो कमज़ोर है या फिर फिल्म में हमको कुछ नया कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ तो यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से ही फिल्म की जो कुछ कमियाँ हैं, जैसे कॉमेडी फिल्म में हमको देखने को नहीं मिलती है, इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं कुछ अलग नहीं है, इन सब के बावजूद भी ये फिल्म कहीं ना कहीं एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है। और फिल्म क्या मैसेज देने की हमें कोशिश करती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये फिल्म स्पेशली उनके लिए है जिनको रोमांटिक ड्रामा फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वरना इस फिल्म में आपको कुछ ज़्यादा कुछ नया अलग देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फिल्म आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे, लेकिन इन सब कुछ खासियतों की वजह से भी ये फिल्म जो है वो एक तरीके से एक बढ़िया एंटरटेनिंग फिल्म बन जाती है। और अगर आप चाहो तो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हो, ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। और ये जो फिल्म है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय करिए। और यहाँ पर मैं बात करूँ इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 4.9 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।